आज कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है। देख रहे हैं ना, संस्कृत का पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, देख रहे हैं ना, इसी तरह हूबहू आपका वार्षिक पेपर इसी तरह से आएगा, बिल्कुल हूबहू ऐसा क्वेश्चन आएगा, देख रहे हैं ना। केवल वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा ये भी आपको दिखाई दे रहा है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, देख रहे हैं ना। एक गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, इसको आप पढ़ेंगे विधिवत, देख रहे हैं ना, पूरा दिखाई दे रहा है आपको, पूरा पढ़ेंगे। और यहाँ नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर इसी में है, देख रहे हैं ना, पूरा इसी में से छाट कर देना है। तो ये कितने का होगा, 10 अंक का है, देख लीजिए 10 अंक का है। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जल्द से जल्द आपको वार्षिक पेपर, प्री बोर्ड का पेपर जल्द से जल्द मिलने लगेगा, देख रहे हैं ना। दूसरा क्वेश्चन है अथवा इसी में, चाहे वो वाला करेंगे चाहे इसको पूरा, देख रहे हैं, पहले पढ़ेंगे अच्छी तरह से आपको, उसके बाद एक प्रश्न जो पूछा गया है उत्तर उसमें से देना है। अब आगे उलटते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरा आपको इसी में क्वेश्चन पूछा गया है और सब है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में दीजिए। बिल्कुल आपको किताब में मिल जाएगा, देख रहे हैं ना। यदि आप कमेंट करते हैं तो पूरा इसका हल भी दे दिया जाएगा। चंद्रापीठ, महाश्वेता और पुंडरीक, देख रहे हैं, इनका चरित्र चित्रण देना है। बाणभट्ट का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख हिंदी अथवा संस्कृत में कीजिए, देख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। का दक्षिण पथा गता, चार विकल्प हैं जो सही वो लिखेंगे। विदिशा भी धाना नगरी राजधान्यासीत किसकी लिखेंगे। पांचवा है, अधोलिखित श्लोकों में किसी एक श्लोक की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, देख रहे हैं ना, पूरा आप पढ़ेंगे पहले, फिर किसी एक का करना है, छोटा आ और बड़ा आ दो है, किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे, देख रहे हैं। अक्सर कितने अंक का है भी देख लीजिए, 10-7 अंक का है, दो नंबर संदर्भ मिल जाएगा, 5 नंबर एक्सप्लेनेशन में मिलेगा आपको। छठवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्लोकों में किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या कीजिए। इसका आप अन्वय जो जानते हैं लिखा रहता है वही है, संस्कृत में इसका अन्वय लिखना है, पूरा नंबर मिलेगा। महाकवि कालिदास का जीवन परिचय हिंदी अथवा संस्कृत में, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कॉमन है, बार बार कालिदास के बारे में पूछा जाता है। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। का राजा नंदिनी शिवे से, देख रहे हैं ना, दिलीपा, देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या है, प्रयुक्त मध्य श्रमितो वृथा स्यात् इदम एम कश्योक्ति, मतलब इसको किसने कहा था, चार दिया गया है जो विकल्प सही हो लिखेंगे। नौवा क्वेश्चन लेते हैं, अधोलिखित किसी में एक अंश का हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। श्लोक दिया गया पूरा अच्छी तरह पढ़ेंगे तो फिर इसका अर्थ आप लिखेंगे, देख रहे हैं ना। और दसवां क्वेश्चन है, पूरा दिखाई दे रहा होगा, दसवां है, निम्नलिखित में से किसी एक सूक्त की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवंती अस्मर अस्मृष्यति त्वाम न सा बोधितो अभिशन कथाम प्रमतः प्रथमम कृतामिव अर्थो ही कन्या पर की अयो, देख रहे ना। ग्रामा कालिदास की नाट्य कला की समीक्षा कीजिए। बारहवा, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। शकुंतलाम सापम कह अददात, देख रहे ना, शकुंतला को साप किसने दिया था, अब आप पढ़े होंगे किताब। अभिज्ञान शकुंतले मुख्य रसा कह, तो कौन सा श्रृंगार रस का है उसमें। फिर इसमें जो कर्णव ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया था, और अगला है, अगला, एक दिन के अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, सभी पेपर में आते हैं, आपकी किताब के अंत में जो लेखन है अवकाश लेखन देख लेंगे। प्रधानाचार्य को पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था के लिए संस्कृत में एक पद लिखिए। अनुप्रास अथवा यमक अलंकार की परिभाषा हिंदी अथवा संस्कृत में।
तो अनुयवक वह शब्द पुनः पुनः पढ़े, मतलब जहाँ पर एक शब्द बार बार आए अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, माँ दत्ता ते अधिकाय, ते नर पाए बवरात है, ते नर खाए बवराय, बिल्कुल लिख देंगे पूरा। कितने अंक है, अंक विभाजन भी देख लीजिए, 4, 8 देख रहे हैं ना, 6, बहुत महत्वपूर्ण भाई भाई। अधोलिखित में किन्हीं 4 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, साधु की कुटिया नदी के पास है। दूसरा, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो इसका हो जाएगा ग्रामस्य उभयता वृक्षाः सन्ति। अगला है, राम ने रावण को मारा, रामा रावणस्य हता, मोहन पैर से लंगड़ा है, मोहना पादेन खंजो अस्ति। फिर है, विद्या से नम्रता आती है, विद्यात् नम्रता आगच्छति। देवदत्त को लड्डू अच्छे लगते हैं, देवदत्तस्य मोदकई रोचते। अगला है, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं एक के नियम उल्लेख पूर्वक व्यक्त का निर्देश कीजिए, क्रोशम कुटिलाह नदी, मुनि शिलाम अधिशेते, देख रहे ना, सिरसा खल्लटा खलवाटा, देख रहे ना। अगला देखते हैं, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अधिक से अधिक जल्द से जल्द आपको वार्षिक पेपर रियल पेपर मिलने लगेंगे, जल्द से जल्द मुझे जुड़ जाइए। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो कर लेना। रामा लक्ष्मण सह गच्छति, मेरे रेखांकित लक्ष्मण सह, तो मतलब सह तेन, मतलब कि साथ के में तृतीय विभक्त का प्रयोग होता है, तो यहाँ लक्ष्मण तृतीय विभक्त का प्रयोग हुआ है, देख रहे ना। अधोलिखित पदों में से किसी एक पद में विग्रह कीजिए, शरणागता युधिष्ठिरा और कृष्ण सर्पा, हरित्राता में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। और फिर है, रमेशा का संधि विधायक सूत्र लिखिए, रमा धन ईसा रमेशा आदि गुणा गुण संधि है, देख रहे। नायिका का संधि विच्छेद होगा, नए धन नए नए धनका नहीं होगा, नए धनका तीसरा विकल्प सही है, देख रहे ना। मत्यई में मति प्रतिपादित के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, हरिभी पद में हरि प्रतिपादित के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। चतुर्थी सब विकल्प दिया गया है, कौन सा है देख के लिखेंगे। तिष्ठो क्रियापद एवं पुरुष का नाम लिखिए, गम धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, गच्छति पहला सही है। फिर है, पर धातु में श्रित प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, पातुम सब पद में प्रयुक्त प्रकृत में प्रत्यय है, देख रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अगर ये पेपर वार्षिक है, अर्धवार्षिक, इसके पूर्व में जो वार्षिक डाले गए हैं सबको देख लेना एक बार, अधिक से अधिक अंक आपको मिल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।